एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 में टोटल वैकेंसी को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के डाउट्स बना हुआ है कि आखिर इस वैकेंसी में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगी वो कितनी होगी, क्या 40,000 पदों पर रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा। ऑल ओवर अगर बात करें तो कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी है, तो इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले, साथ ही वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आपको अलग अलग गृह मंत्रालय की तरफ से कितनी कितनी वैकेंसीज है वो खाली बताई गई है। तो इस बार का जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होगा, इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको स्टूडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आप भी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स, बिल्कुल दोस्तों टॉप 500 प्रश्नों का टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, साथ ही आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप ऐप डाउनलोड करके ये फ्री वाला टेस्ट देके अपने आप को जज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 10,000 से ज्यादा कैंडिडेटों ने अपना ये एग्जाम दिया ऑनलाइन और आप भी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको वो आर्टिकल दिखा देता हूं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इतनी आपकी जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है। टोटल अगर बात करें तो पुलिस बलों में 5,31,000 से ज़्यादा पद खाली है। ऐसे में अगर अलग अलग बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों, जैसा कि आपकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जैसा कि एसएससीजीडी कांस्टेबल के थ्रू होने वाला रिक्रूटमेंट जिसमें आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी का रिक्रूटमेंट है, इन सभी को मिलाकर 5,31,737 रिक्तियां बताई गई है। लेकिन जो महिलाओं की संख्या है, फीमेल कांस्टेबल की संख्या है, वो 16% तक अभी तक बढ़ी है। यह जानकारी आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी ने जनवरी 2020 तक स्थिति के आधार पर जारी ताजा रिपोर्ट में दी थी, क्योंकि आपकी वैकेंसी थी ये 2020 में आने वाली थी लेकिन कोविड के चलते इसे लगातार पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब देश भर में जो कोरोना की स्थिति है वो भी काफी अच्छी है, तो ऐसे में आपका जो रिक्रूटमेंट है वो जल्दी आने वाला। अगर बात करें तो 16% वही रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र बलों में कुल स्वीकृत पद है 11,09,511, जबकि वास्तविक संख्या इनकी 9,82,391, यानी कि 1,27,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े। तो ऐसे में केंद्रीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की जो कुल संख्या है वो 29,249, मतलब दोस्तों यहां पर 3% से भी कम है, 2.98% है। वही मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जज व अन्य वीआईपी जिन्हें 6 महीने से ज्यादा की सुरक्षा मिली है उन सभी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वही 2019 में 19,467 लोगों को सुरक्षा के लिए यहां पर रखा गया था। तो टोटल आपकी वैकेंसी की बात करें तो 1,27,000 से ज़्यादा पद आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज में खाली पड़े। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो रिक्रूटमेंट आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 1,27,000 सभी पदों पर ये रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको लगभग इस बार का जो रिक्रूटमेंट होगा वो लगभग 75,000 प्लस का आपका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाली एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों अगर आप भी एसएससीजीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससीजीडी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कि इंग्लिश में, हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वही बात करें तो जीके में आपके कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी अपडेट आप देख पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक भी आपको वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले ताकि हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।